हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस प्रकार से छठ पूजा के लिए स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हो जो कि इस समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है? तो दोस्तों, आज का जो है वीडियो है अपन तक जरूर देखेगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सिंपली आपको किसी भी वीपीएन को कर लेना है कनेक्ट। उसके बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको सामने न्यू प्रोजेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो क्लिप दे दूंगा, तो आप उसी वीडियो क्लिप को कर लीजिए सिलेक्ट। उसके बाद आपको सिंपली फोटो वाले सेक्शन पर चले जाना है और आप जिस भी फोटो से छठ पूजा के लिए स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आपको उन्हीं फोटो को कर लेना है सिलेक्ट। तो आप यहां से 11 फोटो को कर लीजिए सिलेक्ट। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली ऐड वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहाँ पर ऐड ऑडियो को कर लेना है सिलेक्ट, साउंड को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहाँ पर फाइल पर जाना है, ड्राइव पर जाना है और आपको यहाँ पर उसी सॉन्ग को कर लेना है सिलेक्ट, जिस सॉन्ग का लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप उसी सॉन्ग को कर लीजिए सिलेक्ट। जैसे ही आप सॉन्ग को सिलेक्ट करोगे, आपको सिंपली फर्स्ट वाली फोटो को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहाँ पर इन सभी फोटो को अच्छी तरह से फ्रेम में कर लेना है फिक्स, तो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली लास्ट वाले एंडिंग पार्ट को कर देना है डिलीट और आपको यहाँ पर फर्स्ट वाली फोटो पर आ जाना है और आपको इन सभी फोटो का साइज 1.5 सेकंड कर देना है, तो आप कर दीजिए। जैसे ही आप सभी फोटो का साइज 1.5 सेकंड कर दोगे, आपको यहाँ पर फर्स्ट वाली फोटो को कर लेना है सिलेक्ट, एनिमेशन को कर लेना है सिलेक्ट। एनिमेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कॉम्बो पर चले जाना है और आपको यहाँ पर जूम फर्स्ट वाले एनिमेशन को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको सिंपली सेकंड वाली फोटो पर चल जाना है और आपको यहाँ पर जूम टू वाले एनिमेशन को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप एनिमेशन को सिलेक्ट करोगे, आपको सिंपली इन दोनों एनिमेशन को सभी फोटो में कर लेना है सिलेक्ट, तो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट वाली फोटो के शुरू में आ जाना है और आपको यहाँ पर बैक चले जाना है, ओवरले को कर लेना है सिलेक्ट, ऐड ओवरले कर लेना है। ऐड ओवरले करने के बाद आपको सिंपली वीडियो वाले सेक्शन पर चले जाना है और आपको यहाँ पर एक
इफेक्ट वीडियो दे दूंगा, तो आप उसी इफेक्ट वीडियो को कर लीजिए सिलेक्ट। उसके बाद आपको सिंपली इस इफेक्ट का साइज अपनी फर्स्ट वाली फोटो के बराबर कर देना है, और आपको यहाँ पर इस इफेक्ट को पूरी स्क्रीन में कर देना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली थर्ड वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको यहाँ पर लाइटेन को सिलेक्ट करके कर देना है डन। डन करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोल डाउन करना है, और आपको इस इफेक्ट को कर लेना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद आपको सिंपली इसको डुप्लीकेट करके आपको सिंपली सभी फोटो के शुरू में लगा देना है, तो आप लगा दीजिए। उसके बाद आपको सिंपली फर्स्ट वाली फोटो के शुरू में आ जाना है, और आपको यहाँ पर ऐड ओवरले कर लेना है। जैसे ही आप ऐड ओवरले करोगे आपको सिंपली एक टेम्पलेट वीडियो दे दूंगा, तो आप उसी टेम्पलेट वीडियो को कर लीजिए सिलेक्ट, और आपको इस टेम्पलेट वीडियो को पूरी स्क्रीन में कर देना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली स्प्लिस वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको यहाँ पर लाइटेन को सिलेक्ट करके कर देना है डन। उसके बाद आपको सिंपली लास्ट में चले जाना है, और आपको इस टेम्पलेट वीडियो का साइज अपनी वीडियो के अंतर कर देना है, और आपको इस तरह पार्ट को कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट वाली फोटो के शुरू में आ जाना है, और आपको यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट, वीडियो इफेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट। वीडियो इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली लाइट इफेक्ट पर चले जाना है, और आपको यहाँ पर लीक टू वाले इफेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको सिंपली इस इफेक्ट का साइज वीडियो के अंतर कर देना है, और आप देख सकते हो दोस्तों हम जो छठ पूजा के लिए स्टेटस वीडियो एडिट कर रहे थे वह यहाँ पर अच्छी तरह से एडिट हो चुका है, तो आपको इस स्टेटस वीडियो को सेव करने के लिए आपको कोने में एक्सपोर्ट वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप एक्सपोर्ट वाले आइकन को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों हम जो छठ पूजा के लिए स्टेटस वीडियो एडिट कर रहे थे वह यहाँ पर सेव हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो एडिटिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।